अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉइस ऑफ ब्राउनी। मैं जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया है कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्बल केक की रेसिपी। तो मार्बल केक की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है एक साफ बाउल में, बर्तन में जो है ना, एक एक करके अंडा ऐड करेंगे। 4 अंडे मैंने लिए हैं, ठीक है। उसको हमने 4 अंडे एक एक करके डालिएगा, क्योंकि हो सकता है गर्मियां हैं तो अंडा ख़राब भी हो सकता है। उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी, रेगुलर जो चाय का कप होता है मैंने वो जो है मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है, और चीनी जो है वो पीसी हुई यूज़ करेंगे जी। तो इसको हम करेंगे बीट। अब इस मिक्सचर को इतना बीट करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये येलोइश में शेड में है, तो अब ये देखें बीट होकर इसके कलर जो है वो चेंज हो गया है, इस मिक्सचर का कलर वाइट होना शुरू हो गया है जी। तो जैसे ही ये वाइट से कलर में चेंज हो जाएगा, देन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, क्योंकि अगर हम वनीला एसेंस नहीं डालेंगे तो अंडे की बहुत गंदी सी स्मेल आती है केक में से, ठीक है। यहाँ पर हमने वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ये डालने के बाद हम अगेन इसको करेंगे बीट। जैसे ये मिक्सचर बीट हो जाएगा, मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन दूसरी साइड पर हम ड्राई मिक्सचर तैयार करते हैं। ड्राई मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। उस पैन में हम ऐड करेंगे 1 कप भर के 1 कप मैदा। 1 कप से थोड़ा सा ऊपर ही है, 2 टेबल स्पून ऊपर है, ठीक है। और जो है ना मैदा डालेंगे, मैदा जो है इसको हम क्या कहते हैं अच्छे से जो है ना छानना है, और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून, और साथ ही हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। इसको डालकर हमने इन सारे मिक्सचर को अच्छे से छान लेना है, और क्या करेंगे जैसे ये छाना गया है, छान लिया है, और अब क्या करेंगे 2 टेबलस्पून करके इसको एग वाले मिक्सचर के बीच में जो है ना ये ड्राई मिक्सचर डालते रहेंगे, मिक्स करेंगे, फिर 2 टेबलस्पून डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, और बहुत ही हल्की स्पीड पर इसको मिक्सिंग करनी है जी। यहाँ पर जैसे ही मिक्सिंग सारी कंप्लीट हो गई है, देन ये सारा का सारा मिक्सचर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हम बनाएंगे वनीला, और दूसरा फ्लेवर जो है वो है चॉकलेट फ्लेवर कोको पाउडर की हेल्प से, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ना मैंने 2 हिस्सों में इस मिक्सचर को डिवाइड कर दिया है, और 2 हिस्सों में करने के बाद अब 1 कप दूध लिया है, आधा कप दूध लिया है, थोड़ा सा दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए, उसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर डाल के हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, बीच में कोई गुठलियाँ लम्स नहीं होनी चाहिए। ये करने के बाद अब इस सारे मिक्सचर को हम डाल लेंगे जो हाफ मिक्सचर हमने अलहदा किया है उसमें, दूध जो कोको पाउडर वाला दूध है वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड पर जो हमारा वेनीला, ये चॉकलेट फ्लेवर वाला केक तैयार हुआ, दूसरी साइड पर हमने क्या करना है, जो वेनीला वाला मिक्सचर है उसके बीच में हमने वन बाय 1/4 कप दूध में 2 चुटकियाँ या 1/4 टीस्पून जो है येलो कलर ऐड करेंगे, और ये जो दूध है इसको डाल देंगे हम वेनीला फ्लेवर के लिए इन द अदर हाफ ऑफ द मिक्सचर जी। इसको करेंगे अब अच्छे से मिक्स, और जैसे ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, देन हमने एक पैन लेना है, उस पैन को हमने सबसे पहले कर लेना है ग्रीस, ताकि और जो हमारा केक है उसके साथ स्टिक ना हो। ऑयल लेंगे, ऑयल के साथ सारा का सारा पैन जो है वो ग्रीस कर लेंगे, और फिर सबसे पहले मैंने डाला है वेनीला मिक्सचर, वेनीला के बाद फिर चॉकलेट मिक्सचर। अब बस यही जो है प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है, वेनीला चॉकलेट, वेनीला चॉकलेट, वेनीला चॉकलेट, इस तरह करके आप डालते जाएं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चॉकलेट पहले डालें, वेनीला
मैंने इस तरह डाला है, आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन जी किसी भी स्पून की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से हम इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मैंने ये फ्लावर वाली शेप दे दी है, आप चाहें तो मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए उसको राउंड एंड राउंड भी कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप इसको जो है ना हिलाएंगे या जो भी करेंगे तो आप इसके ऊपर जो है ना वो डिज़ाइनिंग आ जाएगी। तो मार्बल के जस्ट ऐसे ही होता है। देन जी आपके पास कोई भी आलमंड्स पड़े हुए हैं ड्राई फ्रूट्स में, जो भी चीज़ पड़ी है आप वो इसमें ऐड कर लीजिए। मेरे पास आलमंड्स थे, मैंने आलमंड्स यूज़ किए हैं, आप इसमें वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, वॉलनट्स के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम सा हो जाता है। देन जी यहाँ पर मैंने आलमंड्स डाले हैं और जी इसको अब बेक करेंगे 180 डिग्रीज पर फॉर 30 to 45 मिनट्स। आप चाहें तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और तो आप इसको बेक करने के लिए स्टोन ओवन भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोव ओवन के लिए आपको जस्ट एक डेगची लेनी है, वो आपने चूल्हे के ऊपर रखनी है और उसके ऊपर कोई भी स्टैंड रख के आपने ये जो है ना पैन रख देना है केक वाला, और उसको जो है ना आप फिर 30 to 45 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे तो आपका केक तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप जो है 30 to 45 मिनट्स के बाद बैम्बू स्टिक में या नाइफ को जो है ना आप इंसर्ट करके देख लें, अगर तो उसके साथ केक स्टिक नहीं होता तो देन आपका केक बिल्कुल रेडी है, और अगर स्टिक होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए और बेक करें। देन जी यहाँ पर जैसे ही केक ठंडा हुआ है तो मैंने इसकी साइड्स को जो है ना छुरी की हेल्प के साथ लहदा कर लिया है, और इसको जो है ना आप केक को देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, केक खुद ब खुद निकल आया है इसमें से। आप देख सकते हैं केक की चुराई, केक कितना अच्छा फूला है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई भाई। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।